दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको जनसुनवाई पोर्टल या जनसुनवाई केंद्र उत्तर प्रदेश के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। मैंने अपने कई वीडियो में दिखाया कि कैसे आप शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, कैसे आप शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं, और ट्रैक करने पर अगर आप रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर कैसे आप अपना फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। और आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो आपको निश्चित रूप से चौंका देगा। जब ऑनलाइन शिकायतें दर्ज नहीं हुआ करती थीं, जब आप अपनी शिकायतें रजिस्टर्ड डाक से भेजते थे या स्पीड पोस्ट से भेजते थे, और कुछ दिनों बाद जब शिकायत की स्थिति जानने के लिए संबंधित कार्यालय में पहुंचते थे तो पाते थे कि आपकी शिकायत को शिकायत पंजिका में दर्ज नहीं किया गया है। और अक्सर जब आप अपने शिकायत पत्र को खोजते थे बड़े बड़े फाइलों के बीच में, मोटी मोटी फाइलों के बीच में, तो अक्सर आपका प्रार्थना पत्र भी गायब ही मिलता था। और अब जबकि ऑनलाइन शिकायतें होने लगी, पब्लिक को लगा कि अब तो शिकायतें कम से कम दबेंगी नहीं, उनका एक सीरियल नंबर होगा जो जब चाहें खोज के देख सकेंगे कि क्या इस शिकायत की स्थिति है, क्या कुछ हुआ है, फीडबैक के बाद क्या हुआ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी भी शिकायतें कहाँ गुम हो जा रही हैं पता नहीं चल रहा है। शिकायत की कहीं दिखाया जा रहा है कि निस्तारित किया गया है, और रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट का आता पता नहीं है। ऐसी एक शिकायत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो भूमि माफिया से संबंधित है, और उसकी शिकायत संख्या है 400-191-180-21991। और ये शिकायत आजमगढ़ जिले से संबंधित है और भूमाफियाओं से संबंधित है, जिन्होंने, या एक कहे कि एक परिवार के एक व्यक्ति ने भीटा पर कब्जा किया था, और 18-19 बिस्सा जमीन भीटा का था। फिर परिवार के कुछ लालची लोगों ने उस व्यक्ति को मारपीट कर घर से भगा दिया। हालांकि बुजुर्ग आदमी था, रिटायर्ड आदमी था, 60 के पार का आदमी था, और उसके ही भतीजों ने उसको मारपीट कर भगा दिया, और पूरी जमीन समेत जो जमीन पे जो बिल्डिंग बनाई गई थी पूरे पे कब्जा कर लिया है। इस संबंध में मैंने शिकायत की थी, और अब मैं उसको ट्रैक करके दिखाऊंगा कि कैसे उसमें दिखाया जा रहा है कि निस्तारण हो चुका है। किंतु जब मैं फीडबैक देने का प्रयास कर रहा हूं तो फीडबैक देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फीडबैक तो हो गया। मैं कहना चाह रहा था कि जब मैंने रिपोर्ट देखने की कोशिश की तो पाया कि रिपोर्ट नॉट फाउंड, वहाँ एरर शो कर रहा है कि रिपोर्ट डिस्प्ले नहीं हो सकता। धन्यवाद दोस्तों, आइए देखते हैं इसका एक रियल व्यू क्या कुछ हुआ। दोस्तों आइए देखते हैं क्या कुछ हो रहा है जनसुनवाई केंद्र पर, जहां पे आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते हैं इस उम्मीद से कि आपकी शिकायत देर सवेर निस्तारित होगी, कोई कार्रवाई की जाएगी। पर यहां पे भी ऑफलाइन शिकायतों की तरह शिकायतें गायब हो जा रही हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है शिकायतों का कि शिकायतें कहाँ से आई और कहाँ चली गई। इसमें से मैं एक शिकायत उठा रहा हूँ जिसका शिकायत संख्या है 400-191-180-21991। इसका स्टेटस मुझे देखना है, और पहले मैं इसको शिकायत को पूरा दिखा दूं जो मैंने लिखा है। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जिसमें मैंने एक भीटा के कब्जा के विषय में शिकायत किया है जिसका रकबा करीब 18-19 बिस्सा, जिसको कम्प्लीटली कब्जा कर लिया गया है, और इसको निस्तारित दिखाया जा रहा है, और इसमें रिपोर्ट लगाई गई है कि भीटा की भूमि को खाली करा दिया गया है। और आख्या दिखाने की बात आ रही है तो कैसा मैसेज आ रहा है, एरर फाइल नॉट फाउंड, आख्या का कुछ अता पता ही नहीं है। तो यही है सच्चाई।
अब इस शिकायत का फीडबैक देने के लिए अगर हम सोचें तो क्या कर सकते हैं। तुमको शिकायत संख्या को नोट करना होगा, तभी इसका फीडबैक दे पाएंगे। चलिए फीडबैक वाले ऑप्शन पर चलते हैं और फीडबैक देने का प्रयास करते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि फीडबैक हो पाएगा, मुझे नहीं लगता कि फीडबैक देना पॉसिबल होगा, क्योंकि जब आँखें इन लगी तो हो सकता है कुछ उल्टा सीधा रिपोर्ट लिख के कुछ उल्टा सीधा मैसेज ही आने वाला है। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये है सच्चाई जनसुनवाई पोर्टल की, वो भी उस शिकायत के मामले में जिसमें शिकायत की गई है लैंड माफिया के खिलाफ। 21991 आधा स्टार इसको मैं दे ही देता हूँ और लिखता हूँ नॉट सेटिस्फाई। रिपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। और मैं इसको आगे भेजने का भी सेंड रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि प्लीज सेंड माय कंप्लेन टू हायर ऑफिसर फॉर फर्दर एक्शन। अभी तो मैंने फीडबैक लिख दिया, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, स्वीकृत होता है कि नहीं होता है। योर फीडबैक सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। फीडबैक तो ले लिया गया, पर देखते हैं